क्या समझती थी तुम मुझसे मेरा शौहर छीन सकोगी? मैं तुम्हें सौद बनकर अपने घर में आने दूंगी। मिसबा, अदा अभी तक नहीं है। क्या? मेरे साथ मेरे घर चलो। अब हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। अब कोई घर नहीं है हमारा, और वो घर आज बुलाया नहीं अभी तक। जी जी सर, कोई डिक्टेशन वगैरह देना है आपको तो मैं आ जाऊं। ऐसा कुछ डिक्टेशन तो नहीं है मिस मनीजा, अगर आप मेरे रूम में आई। जी सर, मैं आती हूँ। Sir, may I come in? Yes, please. Tashrif. Thank you. Miss Manisa, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मगर आपने अपना जाती मसला बताने पर एतराज जाहिर किया था। नहीं, एतराज। Let me complete, please. मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं आपका जाती मसला हमारे ऑफिस का मसला ना बन जाए। So please. आज आप मुझे बता दीजिए कौन है वो आदमी। कौन सर? वही आदमी जो ऑफिस के नीचे आज आपसे ऑडियो कर रहा, और उस रोज जिसने आपको अपनी बीवी कहा, मगर आपने उससे साफ इनकार कर दिया था। मगर आज आज आप उससे बराबर बहस कर रही हैं। सर एक्चुअली मैं भी ये चाह रही थी कि इस बारे में बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लूं, लेकिन यहाँ ऑफिस में मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह कोई। तो ठीक है मिस मनीजा, आज ऑफिस के बाद हम शाम में कहीं पर मिलेंगे और आपके इस टॉपिक पर बात करेंगे। अम्मी, मैंने कहा ना, आप अदा के लिए परेशान होना छोड़ दीजिए। जिस घर की लड़कियां बिगड़ जाती हैं, उन घर वालों को चाहिए या तो वो उस लड़की को जान से मार डालें या फिर अपनी गैरत को मार डालें। अरे क्या बक रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफा अगर अदा वापस आ गई तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मैं पूछती हूँ, फरियाल ने क्या कहा? नंबर मिला उसका या नहीं? हाँ मिल गया, लेकिन आपकी लाडली का उसकी सहेली को भी कुछ नहीं पता। आपके बार आपकी लाडली ने अपनी आवारा गर्दी में अपनी सहेली को शामिल नहीं की। बकवास बंद करो, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि वो फिर से किसी मुसीबत में फंस गई है। ठीक कह रही हैं, डकैतों और कातिलों की माएं भी नहीं मानती कि उनके बेटों ने डकैतियां या कत्ल किए हैं। आप उसका इंतजार कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी अब बताइए। जी सर, वो एक्चुअली एक मिनट, साउथ अफ्रीका से फजल का फोन है। हेलो, हाउ आर यू पार्टनर? आई एम गुड, आप सुनाइए अपनी। बस मजे में यार, 3 महीने का प्रॉफिट रेशियो निकाला तो खुश हो के तुम्हें फोन किया। कांग्रेचुलेशन यार, बड़ा सही का बिजनेस संभाला है तुमने। थैंक यू सो मच। मैंने बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए कुछ और डिसीजंस लिए हैं। अगर तुम मुझे फोन ना भी करते तो मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। तुम मुझे फोन करने की क्या जरूरत है? I trust you. फिर भी तुम सुन लो, हो सकता है तुम कुछ अरेंज कर सको। हाँ बोलो। यार मैंने अभी सुंदस को रिप्लेस करके जो अपनी नई सेक्रेटरी रखी है मिस मुनीजा, उनके अंदर मैंने बहुत अच्छे बिजनेस स्किल्स पाए। गुड, वेरी गुड। तो मैं ये चाह रहा था कि इंडिविजुअली तौर पे उनको कुछ बिजनेस डील्स में इन्वॉल्व कर दूं और अपने लिए कोई दूसरी पर्सनल सेक्रेटरी रख लेता।
मगर जो कुछ काम जानती हो। ये तुमने इसलिए बोला है ना कि मैं कहीं मिस सुंदस का दोबारा ना कह दूं। हाँ बिल्कुल इसीलिए। नहीं बोलूंगा यार। मगर तुम एक काम क्यों नहीं करते, नई सेक्रेटरी रखने की बजाय मेरे लाहौर वाले ऑफिस से मिस हादिया को क्यों नहीं बुला लेते? मिस हादिया? हाँ, मेरे लाहौर वाले ऑफिस में दो ही लोग काम करते हैं, एक मिस हादिया और दूसरे मैनेजर इकबाल अहमद। इकबाल अहमद तो वहीं लाहौर के ही हैं, मगर मिस हादिया यहाँ कराची से गई थी। हाँ तो जब मिस हादिया और मैनेजर साहब ही नहीं रहेंगे तो लाहौर वाला ऑफिस तो बंद कर दो, ये तो फालतू का खर्चा है। वही तो कह रहा हूँ, हादिया मेहनती लड़की है। मैं तुम्हें उसका नंबर मैसेज कर देता हूँ, तुम इन्हें कॉल कर लो। ओके बाय। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी तो मिस मुनीजा, अब बताइए कौन है वो शख्स? सर सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ, आपने मेरे काम की वजह से मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। वो तो सब ठीक है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो शख्स कौन है, वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? सच बोल रहा था। वो शख्स बिल्कुल सच बोल रहा था। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, बल्कि अब तो तलाक याफ्ता भी। क्या तलाक याफ्ता? जी बिल्कुल, 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी मेरे कजन से, निस्बा मेरी खाला के बेटे हैं और हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी। हमारी जन्नत में वो शैतान उसकी बहन थी। बहुत ही आजाद ख्याल लड़की है, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती है, शॉर्टकट अपनाना चाहती है, और जब मैंने उसको रोकना चाहा तो सर मैंने उसको इसलिए रोकना चाहा था क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो लड़कियां शॉर्टकट अपनाती हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन इस बार तो उसने मेरा ही घर उजाड़ दिया, तबाह कर दी मेरी जिंदगी उसने। इसमें साथ कूल डाउन, आप रोए मत, प्लीज खामोश हो जाए। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप अब भी अपने एक्स हस्बैंड से मोहब्बत करती हैं? हरगिज नहीं सर, मुझे उनसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। मैं एक ऐसे शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जिसने अपने बहन के कहने पे अपनी बीवी के किरदार पे शक की। ने मेरी 3 साल की मोहब्बत को ठुकरा दिया, ना मेरी खिदमत का पास रखा और ना मेरी वफा का ख्याल किया। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि अगर मुझे तलाक दे देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। उसने कुछ नहीं सोचा। मिस मुनीजा आप परेशान मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे चुपकी मार मारती हो और मैं तुम्हें जहनी और रूहानी मार मारता हूं, मगर कब तक फौजिया हम एक दूसरे को मारते रहेंगे? जब तक आपकी सजा अपनी खता के बराबर नहीं हो जाती। मैं अगर तुम्हें अपनी खता की हकीकत बता दूंगा तो जो सजा तुम मुझे दे रहे हो वो खुद तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी।
आखिर इस लड़की को होश क्यों नहीं आ? कहीं इस बार हुमायूं के बजाय अल्लाह मेरी जब्त का इम्तिहान तो नहीं ले रहा? लेकिन हुमायूं ने मुझे यहाँ रखकर वाकई मेरे सब्र के मुंह पर बड़ा जबरदस्त तमाचा मारा है। कहीं मैं हिम्मत हार कर हुमायूं के आगे रोना पड़ूं? और वैसे भी आखिर मैं कब तक लड़ूंगी? आज भी मुझे देर हो गई। कितनी कोशिश करती हूँ मैं कि सर से पहले आ जाऊं, लेकिन हर बार देर हो जाती है। जी क्या मिस सुंदस आज भी अभी तक नहीं आई? नहीं सर, अभी नहीं आई हैं। लेकिन मेरे मोबाइल पे उनकी कॉल आ गई थी। वो कह रही थी कि उनके वालिद साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वो आज ना आए या फिर सेकेंड हाफ में हमें ज्वाइन करेंगी। ओके, मगर तुम तो ठीक हो ना? जी जी सर, मुझे क्या होना है? कल बहुत रोई थी ना? मगर जब एक बार गुबार निकल जाता है तो फिजा निखर जाती है। तलाक के बाद बहुत बार गुबार उठा है सर, अब तो जैसे जैसे रेत बैठ चुकी हो। आती है उस तूफान की याद आती है मुझे, लेकिन सिर्फ तब जब मिसबा राख को रेतते हैं। मनीषा सब कुछ ठीक हो जाए, हम आज भी ऑफिस के बाद बाहर मिलते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। यकीनन सर। गुड, मैंने तुम्हें सादिया का नंबर दिया था ना? जी सर। तुम्हें काम करो कि तुम्हें फोन करके कराची बुलवा लो। उनसे कहना ट्रेन से ना आए, बाय एयर आए, उनके जो भी अखराजात होंगे वो कंपनी पे करे। ठीक है सर, मैं अभी कॉल करती हूँ। ओके। आज तीसरा दिन लग गया, अदा नहीं आई। न जाने किस मुसीबत में गिरफ्तार है मेरी बच्ची। आ जाओ अदा, तुम्हारे भाई के ताने सुन सुनकर मेरा कलेजा छलनी हो रहा है। मिसबा ने तो जैसे ये तय कर लिया है कि मेरी बच्ची गलत है। पता नहीं क्या कहा है फरियाल ने उससे। मैं खुद कॉलेज जाती हूँ, अदा की सहेलियों के नंबर मालूम करती हूँ। हाँ, मैं खुद ढूंढूंगी अपनी बच्ची को। दिमाग की नसों पर जो स्वेलिंग आ गई थी वो तो मुकम्मल तौर पर उतर चुकी है। इस हिसाब से इन्हें आज होश में आ जाना चाहिए, वरना वरना फिर खतरे की बात है। फिर वही इम्कानात हो सकते हैं जो मैंने पहले जाहिर किए थे। होप सो कि फिर आज होश आ जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं चलता हूँ। आज तुमने वो स्माइल नहीं दी मुझे देखकर जो मुझे इरिटेट करने के लिए तुम बतौर हथियार इस्तेमाल करती हो। मुझे यहां से निजात कब मिली? मुझे तुम्हारे हाल पे तरस आ रहा है। तुम वाकई बहुत थक गई। तरस करने का शुक्रिया। तुम मुझे चुप की मार मारती हो,
और मैं तुम्हें जहनी और रूहानी मार मारता हूं, मगर कब तक? कब तक फौजिया हम एक दूसरे को मारते रहेंगे? जब तक आपकी सजा आपकी खता के बराबर नहीं हो जाती। मैं अगर तुम्हें अपनी खता की हकीकत बता दूंगा तो जो सजा तुम मुझे दे रहे हो वो खुद तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी। किस हकीकत की बात कर रहे हैं आप? छोड़ो, जाने दो, ये वक्त पुरानी बातें डिस्क्लोज करने का नहीं है। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए सताता हूं ताकि तुम्हारी चुप टूटे और तुम मुझसे अपना हक मांगो। कभी भी नहीं, कभी भी तुम्हारे आगे ना हाथ फैलाऊंगी और ना ही दामन। मैं तुमसे प्यार करता हूं फाजिया, और तुमसे बीवी का प्यार चाहता हूं। घर छोड़ो, मैं तुम पे और जुल्म नहीं कर सकता। तुम बहुत थक गई हो ना, तो तुम घर चली जाओ, मैं किसी नर्स का अरेंजमेंट कर लूंगा। नहीं रहूंगी जब तक इसे होश नहीं आ जाता या मर नहीं जाती। जिद ना करो फौजिया, प्लीज चले जाओ। मुझे फरियाल ने ये दो नंबर दिए, एक सेवी का है, सेवी अदा को चाहता था, शायद उसने उसकी कोई खैर खबर रखी, और दूसरा हुमायूं अली का है।